देश की राजधानी की ये घटना मैं आपको बताने जा रही हूं, जो हैरान करने वाली है। 26 साल का एक लड़का जिसके ऊपर इल्जाम चोरी का लगा, उसे खंबे से बांधकर इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। इसार अहमद का परिवार इस वक्त मेरे साथ है, चार बहनें हैं उनकी और उनसे हम लोग बात करते हैं। रो रो कर बुरा हाल है, जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है परिवार के लिए इस समय अपनी बात रखना, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उनकी बात आप लोगों तक पहुंचे। ये चार बहनें आप देखिए जिनकी रोकर बहुत रो रोकर बुरा हाल है जिनका। क्या नाम है आपका? मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए और मेरे लिए सवाल पूछना भी बहुत मुश्किल है आपसे। मेरे भाई को बहुत बुरे तरीके से हालत से मारा ना, पैरों हाथों के नाखून लगे खींच के, यहाँ के भी खींच लिया और बुरी हालत कर दी उसके, पूरा शरीर में चोट चोट हो गई, इसके उठा भी नहीं जा रहा था, उससे ना बैठा जा रहा था। भाई घर आया था जब वहाँ पर मारपीट हुई उनके साथ में, फिर वो वापस घर भी आए थे? नहीं, उसे चोर के गए थे, हमारे पड़ोसी सामने वाले, यही भाई तुम्हारे भाई कर दो, कुछ बोलना नहीं था, इसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, अन्य हमें तो इंसाफ चाहिए, बस जैसे उन्होंने हमारे भाई को मारा बहुत बुरी तरीके से, हमने वीडियो में देखा। देखिए इन बच्चों की माता जी नहीं है, इकलौता भाई था, चार बहनों को भी संभालता था, पिता का हाथ बटाता था। एक जिम्मेदार लड़का जब जाता है तो परिवार के लिए सदमा कितना गहरा होगा ये समझना मुश्किल है। परिवारों में बहनें हैं और भी, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नायाब। नायाब, जब भाई के बारे में ऐसी जानकारी मिली तब क्या वक्त रहा होगा? आपको कब तक पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है? नाले पे मार के डाल दिया था, जब हमें पता चला तीन चार लड़के छोड़ने आए, इससे चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाया था और कुछ नहीं बोल रहा था, होश में ही नहीं था, अपने बोला नहीं जा रहा था। क्या पता चला कि क्यों मारा गया? पता चला किसी ने बताया क्या क्यों मारा? 20 रुपए उसके ऊपर इल्जाम लगा दे, गणपति बाबा के मंदिर में से 20 रुपए चुराए, लेकिन हमारा भाई ऐसा नहीं था, चोर बिल्कुल भी। 20 रुपए चुराने के इल्जाम में, 20 रुपए चुराने के इल्जाम में फंसाया उसे, जान पूछ के मारा। किसी के साथ उसकी कोई आपसी दुश्मनी वगैरह थी, आसपास से कोई दुश्मनी थी? बच्चा ऐसा नहीं था, वो मोहल्ले, आप पड़ोसी हैं उस? हम पड़ोसी हैं, मोहल्ले में ऐसा बच्चा नहीं था, आस पड़ोस का ही है बहरहाल हम लोग, लेकिन वो बच्चा ऐसा था नहीं, काम धंधे वाला बच्चा था वो, ऐसा मेहनत मजूरी करता था वो बच्चा, चोर नहीं था, इस बात को वो चोर नहीं था। हाँ, आप भी पड़ोसन हैं, और जब 10-20 रुपए भी चुरा लिए है उसने, तो कानून नहीं था, पुलिस वाले नहीं थे, जो उसने इतनी मारी उसको सजा दी है, क्यों हमारा ऐसे कमे में चीर चीर के मार मार के बेरहमी से, उसको रहम नहीं आया है, और जो उन्होंने मारा है बेरहमी से मारा है किसी ने। देखिए हाथ में उनके वो वीडियो है जिसे दिखाना भी मुश्किल है, उसको हम आपको ब्लर करे बिना नहीं दिखा सकते, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरहमी से एक शख्स को मारा जाता है, और जैसा कि बहनें बता रही हैं 20 रुपए के शक में, 20 रुपए के शक में एक शख्स की जान ले ली जाती है। ये देश की राजधानी की तस्वीर है, इरशाद के ऊपर ये शक था, जैसा कि परिवार को भी बताया गया है या परिवार हमें बता रहा है कि केवल 20 रुपए का की चोरी का उसके ऊपर इल्जाम लगा था, जिसके बाद उसे खंभे से बांध दिया गया, इतना मारा कि उसकी बाद में मृत्यु हो गई। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ है जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।